एसर्ट्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन करने के लिए आपको चैप्टर का नॉलेज होना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा, और विदाउट दैट नॉलेज आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको नॉलेज होने के बाद भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे हम लोग, और सॉल्यूशन के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट नॉलेज तो एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इज नॉट इजी टू सॉल्व। लेकिन आज का क्लास है कि आपको नॉलेज होने के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, तो आज का क्लास उस पर्पस के लिए है, और विथ एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो जस्ट लुक एट हियर, ऐसा क्वेश्चन मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीबीएसई जो सैंपल पेपर है वहां से लिया है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये पैटर्न सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, एनसीईआरटी ने, उससे ये पर्टिकुलर सैंपल लिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा आपके सामने। फॉर क्वेश्चन गिवन, ओके, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। जो भी क्वेश्चन, या तीन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, वन वन मार्क के तीन क्वेश्चन। सो फॉर क्वेश्चन, यहां मैंने सिंगुलर में लिखा है, फॉर क्वेश्चंस गिवन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन, या फिर सिर्फ ए भी लिखा हुआ रह सकता है, द अदर लेबल्ड एज रीजन, कैपिटल आर भी हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी और डी। एनसीईआरटी का जो सैंपल पेपर में, उसमें चार ही ऑप्शन है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों ने और ऐड कर दिया है। जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपके पास ऑप्शंस, देखो फाइव ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आफ्टर रीडिंग दैट असर्शन एंड रीजन प्रॉपरली। आप कभी भी दोनों को रिलेट करने का कोशिश मत करना कि असर्शन का वही रीजन होगा। असर्शन को आपको अलग से रीडिंग करना है, रीजन को आपको अलग से रीडिंग करना है। दोनों को रीड करते वक्त एक दूसरा से रिलेट करने का कोशिश नहीं करना है पहले, ओके? तो यहां पे गिवन है बोथ ए, दैट मीन्स असर्शन, एंड आर ट्रू। तो कि कभी कभी ट्रू की जगह पे करेक्ट इनकरेक्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है? बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आर मतलब रीजन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दो ऑप्शन है आपके पास, असर्शन एंड रीजन, दोनों ही करेक्ट है, और रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब रीजन प्रॉपरली रीजन है किसके लिए, असर्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन में आपके पास है बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर मतलब असर्शन एंड रीजनिंग बोथ ट्रू है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ही ट्रू है लेकिन ए और आर रिलेटेड नहीं है, आर ए के लिए रीजन नहीं है, लेकिन दोनों ट्रू है, ठीक है? तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आपको इन दोनों में से एक ही चूज करना, बस ये मान लीजिए। आपको एसर्शन और रीजनिंग दोनों रीड करना है, और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है मतलब ये तीन ऑप्शन तो आएंगे नहीं, मतलब आइदर ए और बी। अब आपको दिमाग वहीं पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन आप दोनों स्टेटमेंट को रीड करते हो और आपको एक भी गलत लगता है, तब आपके पास ये तीन ऑप्शन है, या दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है? तो सीबीएसई एनसीईआरटी के सैंपल पेपर में ए बी सी डी चार ही ऑप्शन है, एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ दिया गया है बाई चांस आने से। ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड है उसमें पांच ऑप्शन होते हैं। सो थर्ड में ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू,
एंड रीजन इज फॉल्स, तो दूसरा सेंटेंस अगर फॉल्स हुआ तो वो एसर्शन का रीजन तो हो ही नहीं सकता, तो वो ट्रू और फॉल्स देखना आप लोग। फिर एसर्शन इज फॉल्स, फॉल्स रीजन इज ट्रू, एक ही ऑप्शन है आपके पास और दोनों ही फॉल्स हो सकता है। तो यहां पर ट्रिक क्या है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू यू, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपको ए और बी में से चूज करना है, ठीक है, और एक भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो आपको इन तीनों ऑप्शन से चूज करना है, इन तीनों ऑप्शन से। ओके, हैव यू अंडरस्टूड क्या करना है आपको, अटेम्प्ट कैसे करना है? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। दोनों स्टेटमेंट आपको रीड करना होगा, दोनों ट्रू होने से आपके पास ए और बी ऑप्शन में से एक चूज करना है, और एक भी रॉन्ग हुआ उनमें से तो आपके पास सी डी और ई ऑप्शन। और ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऑप्शन इसी पैटर्न में होंगे, हो सकता है ए इज फॉल्स आर इज फॉल्स वो ऑप्शन ए हो एग्जाम में, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू वो ऑप्शन बी हो, तो आप देख लीजिएगा उसको, वो आपका काम है कैसे वो ऑप्शंस को देखना है आपको, कौन सा पहले या बाद में। अभी जो मैंने पांच ऑप्शन दिया है उनमें से मैं ये बता रहा हूं, अगर आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हुआ तो आपको ए और बी में से एक चूज करना है अच्छा से रीडिंग करके, और दोनों में से एक भी रॉन्ग हुआ तो सी डी और ई में से एक चूज करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर इज गिवन इन एसर्शन एंड रीजनिंग। और मैंने आपको पहले भी बोला आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नाउ वी आर मूविंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, हम लोग एसर्शन में क्या गिवन है वो देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन एसर्शन? After white washing the walls, a shiny white finish on walls is obtained after 2 to 3 days. ये पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, ये true या false? पहला यही decide करना आपको, true और false। मैंने answer आपको पूछा ही नहीं, मैं just पूछ रहा हूँ आपको, आपको ये true पहला assertion जो है that is true or false, answer me in the chat box। ओके, नेहल, वान्या, देन प्रियांशी, गरिमा, विद्या, कंजनाब, चिराग, तनिषा, देव, किंजल, सो यू ऑल आर करेक्ट। सबको पता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाइट वॉशिंग के बाद एक शाइनी फिनिश आता है वॉल पे आफ्टर 2 to 3 days, तो एशर्सन इज ट्रू। चलो, हम लोग को ये पता चल गया कि एशर्सन जो है वो ट्रू है। अब रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। रीजन में एसर्शन के साथ रिलेट अभी नहीं करूंगा, पहले मैं सिंपली स्टेटमेंट पढ़ूंगा रीजन वाला। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। तो मैं रीजन नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? कंजना, गरिमा, चिराग, श्रव्या, ओके, जयदीप, देव, कृतिका एंड यू ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर, ये फॉल्स है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका करेक्ट क्या था, वो आपको पता होना पड़ेगा ना। कैल्शियम ऑक्साइड, चलो ये मान लेते हैं हम लोग ये फॉल्स है, ठीक है। तो आपका नॉलेज है कि नहीं वो भी चेक करना होगा आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड CaO प्लस CO2, और क्या ऐसा चीज बनता है जिससे शाइनी व्हाइट फिनिश आएगा वॉल पे, ऐसा क्या चीज? वान्या, चिराग, चिराग ने रॉन्ग आंसर दिया, वान्या, कंजनाब, प्रियांशी कनोई, हर्ष अग्रवाल, जयदीप गोस्वामी, देव अग्रवाल। जयदीप गोस्वामी यू आर करेक्ट बट देव अग्रवाल यू आर रॉन्ग। कैल्शियम ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट,
एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव वाइट फिनिश टू द वॉल। चलो ये हम लोग को ये पता है कि एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स। अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स होते ही हम लोग इन तीनों में से एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। अब रीजन वीजन का कोई काम ही नहीं है। तो फर्स्ट इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो यही हम लोग का मैच हो रहा है। फिर भी सेकेंड थर्ड फोर्थ चेक करना चाहिए, ए इज फॉल्स ये तो करेक्ट था, आर इज ट्रू ये भी रॉन्ग होगा, ये सिलेक्शन नहीं होगा, एंड थर्ड वन A is false and R is false. So the correct option is option 3. Correct one is option 3. So have you understood this one? Kaise attempt karna hai aapko? Assertion reasoning ekdam easy hai. Aapko ye marks samajh lo free mein hi milne wala hai. ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन होंगे, उसमें से एक थोड़ा सा भी अगर आप प्रॉपर रीडिंग करोगे और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता ये रॉन्ग होगा आपका, क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे। सो आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजनिंग वी आर डिस्कसिंग, जस्ट लुक एट अनदर क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे वो भी अच्छा है, प्रैक्टिस इसमें चाहिए। अब ये टेक्निक आप लोगों को मैंने समझा दिया है, इन पांचों का सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, पांच में से कौन सा सिलेक्ट करना है, उसका टेक्निक क्या है। अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो ए और बी में से होगा, और दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो सी डी और ई में से होगा। आज का क्लास में आपको जब तक आंसर पूछा नहीं जाए तब तक बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ एसर्शन पढ़ते हैं हम लोग। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इज इट ट्रू और फॉल्स। मैं तो ऐसे ही देखूंगा। किंजल, जॉयदीप, वान्या, हर्ष, रव्या, सुमित्रा, आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, आई एम आस्किंग ट्रू और फॉल्स। प्रियांशी एंड गरिमा, सब लोग करेक्ट है कि फूड चेन से, नीर अग्रवाला ऑल्सो, फूड चेन से केमिकल्स एंटर इनटू आवर बॉडी। सो फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज एंड रीजन इज व्हाट। अब रीजन में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले तो पढ़ेंगे ये ट्रू है या फॉल्स। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। फूड चेन का लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज होता है, सेम नहीं है। कुछ फूड चेन सिंपल है, कम स्टेप होता है उसमें, ट्रॉफिक लेवल कम होता है, कुछ फूड चेन ज़्यादा लॉन्ग है, एंड कभी कभी फूड चेन बहुत मिलके फूड वेब बन जाता है, तो कॉम्प्लेक्स भी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। अब जब दोनों ही ट्रू है तो मेरे पास ऑप्शन ए और बी में से सिलेक्ट करना है। क्या फर्स्ट में है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो ए एंड आर ट्रू है, इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। रीजन में दिया हुआ द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो ये तो कुछ मैच नहीं लग रहा है। रीजन जो है, रीजन में जो स्टेटमेंट है वो एसर्शन के साथ कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी, करेक्ट ऑप्शन शुड बी, ओके, कंजना, चिराग, तनिषा, देव, जयदीप, किंजल, हर्षिता, विद्या, वान्या, श्रव्या एंड यू गरिमा, यू ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर। तो अब आप लोगों को टेक्निक समझ में आ गया। दोनों अगर ट्रू है तो आपको सिलेक्ट ए और बी में से करना है, फिर देखना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। यहां नहीं था तो द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, आंसर शुड बी ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सबको समझ में आ गया। जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म, जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। Okay, now moving to another question, moving to another one.
दिस वन, थर्ड वन। सिवेज बोल रहा है इट इज कंफ्यूजिंग, क्लास में लेट ज्वाइन करोगे तो कंफ्यूजिंग होगा ही। स्टार्टिंग में आई हैव एक्सप्लेन्ड द रामायण एंड यू आर एब्सेंट एंड नाउ यू आर आस्किंग। ओके, शॉर्टर फूड चेन में भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, देयर इज ऑलवेज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ दिस वन, ये क्वेश्चन, तो टेक्निक क्या है, आपको assertion और reason दोनों का स्टेटमेंट को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि assertion अगर दोनों ही ट्रू है तब आपको चेक करना है कि assertion का प्रॉपर रीजन है कि नहीं, स्टेटमेंट जो गिवन है रीजन में। सो assertion, लुक एट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हियर। Greater number of individuals are present in the lower traffic level. Lower traffic level में ज्यादा individuals होते हैं। So मैं अगर आपको पूछता हूँ, is it true or false? It is true. Lower traffic level में number ज्यादा। किसी भी food chain का अगर first traffic level में आप देखोगे ज्यादातर क्या है, ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, अगर एक फॉरेस्ट का एक फूड चेन का एग्जाम्पल ले लेते, ग्रास, डियर, टाइगर, किसका नंबर ज्यादा होगा? ग्रास लोअर ट्रॉपिक लेवल में आता है, किसका नंबर ज्यादा होगा फूड चेन में? इट विल बी ऑफ ग्रास। सो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल। फिर रीजन में क्या है, या चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है, The flow of energy is unidirectional. ये statement भी true है, दोनों ही statement true है। तो अब हम लोग के पास option में A और B से ही selection करना है, इतना तो पता चल गया। We have to select from A and B, क्योंकि C, D, E में कम से कम एक statement तो false है, या दोनों भी false है। So we have to select from A or B. So अब मैं check करूंगा कि दोनों true है, लेकिन reason क्या, assertion का reason है। Greater number of individuals are present in lower traffic level. The flow of energy is unidirectional. Reason में दिया हुआ है, कुछ भी relate नहीं करता दोनों में, दोनों true है लेकिन एक दूसरा से relation नहीं है। So which option should be correct? Kinjal, Harshita, Vidya, Joydeep, Chirag, Sravya, Sumitra, Priyansi, Kanjanav, Harsh, Kritika, and you all are giving correct answer. You all are giving. तो टेक्निक यही है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पेशेंस के साथ आपको रीडिंग करना होगा assertion का स्टेटमेंट और रीजन का स्टेटमेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी सैंपल पेपर में थे और उन्हीं को मैंने फर्स्ट डिस्कशन किया है, ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ओके, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम That sample paper. Now assertion का statement पढ़ते हैं। A geneticist crossed a pea plant having violet flower with a pea plant with white flower. तो violet flower वाला pea plant को cross किया गया white flower वाला pea plant के साथ। He got All the violet flowers in F1 generation. F1 generation में आपको याद होगा अगर ये क्रॉस करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, क्या ऑप्शन मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा या स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा या कुछ और, चलो ये ऑप्शन बताओ आप साइड वाला क्रॉस देख के। जॉयदीप, सिवेश, वान्या, कृतिका, सुमित्रा इज रॉन्ग, कृतिका तक करेक्ट है, चिराग अग्रवाल यू आर करेक्ट। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर याद है तो इसका गैमेट में सिर्फ एक कैपिटल डब्ल्यू, इसका गैमेट में सिर्फ एक स्मॉल डब्ल्यू, और F1 जनरेशन में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आता है। तो ये अगर वायलेट के लिए है और ये अगर वाइट के लिए है तो यहाँ तो वायलेट ही मिलने वाला है क्योंकि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलता है। तो ये तो ठीक है, assertion is a true statement, ये true है। Reason देखते हैं, white color gene is not passed on to the next generation. ये क्या हुआ,
यहाँ तो व्हाइट कलर का जीन आया है फिर भी वायलेट है क्योंकि डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, क्योंकि डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है। सो ये तो रीजन नहीं है, सभी वायलेट मिलने का रीजन क्या था? वायलेट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रीजन नहीं है। व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, व्हाइट कलर जीन हैज बीन पास्ड बट इट वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट वॉज पास्ड बट इट वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों ट्रू होने से ही तो ए और बी में से सिलेक्शन करना है। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सी डी ई ऑप्शन आपके पास, फिर से आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स देखना है। एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सो विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, चिराग हर्षित विद्या हर्षिता हर्ष नीर कृष्णा तनिषा एंड यू ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी कृतिका घोरावत ऑल्सो। तो इतना ही इजी है एसर्शन रीजनिंग का सॉल्यूशन ढूंढना, बट पॉइंट वापस मैं बताता हूँ, नॉलेज तो होना पड़ेगा, आपके पास चैप्टर का नॉलेज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रू और फॉल्स कैसे ढूंढोगे? ओके, अदरवाइज आप कैसे पता लगाओ कि रीजन एक्चुअल में एसर्शन का प्रॉपर रीजन है कि नहीं? ओके, सो मूविंग टू अनादर क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यहाँ उतना ही बेनिफिट है, और आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करना है। आज प्रैक्टिस किए हो 15 दिन बाद थोड़ा और क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में कॉमन आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। नाउ एसर्शन में एक स्टेटमेंट है, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड टायलिन, चलो ट्रू है या फॉल्स ये बता दो। वान्या कंजना, कंजना रॉन्ग है, वान्या करेक्ट है, चिराग भी रॉन्ग है, देव भी रॉन्ग है, कृतिका रॉन्ग है, सुमित्रा रॉन्ग है, प्रीवियस वन में बी था, एक फॉल्स एक ट्रू, एक ऐसे होगा बी नहीं, प्रीवियस वन का आंसर मैंने बताया नहीं था, सी था, सॉरी प्रीवियस वन द आंसर वाज सी। तो यहां सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड टायलिन, सीवेस क्या बोल, एम एस में ए इज करेक्ट, क्या एम एस प्रीवियस में ए करेक्ट कैसे होगा? इट वो रीजन था ही नहीं। मार्किंग स्कीम में हो सकता है, कैसे होगा? हम लोग तो उसमें चेक किया है प्रॉपर रीजनिंग के साथ, एसर्शन चेक कर लूंगा मैं फिर भी। एसर्शन में दिया हुआ है सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। सो टाइलिन एक एंजाइम का नाम है, इसका एक और नाम है सलाइवरी अमाइलेज, अनदर नेम इज सलाइवरी अमाइलेज। सो एसर्शन का स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसर्शन। अब रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं, पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स, ट्रू है या फॉल्स? पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स, ट्रू और फॉल्स? पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड्स, इट इज फॉल्स। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, वो ट्रू होता लेकिन यहां तो फॉल्स है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अगर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो अब आपके पास ऑप्शन में सी डी और ई बचता है, तो सी डी और ई में कौन सा करेक्ट होना चाहिए? वान्या नीर चिराग हर्ष सिवेश कृतिका जयदीप देव, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। ओके, अभी अभी सिवेश ने बताया कि एनसीईआरटी का जो मार्किंग स्कीम ये सब में कौन सा बता रहा सिवेश? सिवेश मार्किंग स्कीम में कौन सा करेक्ट दिया हुआ है? सिवेश ए करेक्ट है क्या? चेक कर लेते हैं हम लोग करेक्ट है कि नहीं, ठीक है चेक करते हैं। मैंने तो उसका आंसर भी नहीं देखा है, जस्ट हम लोग नॉर्मल बात करते हैं।
जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड पी प्लांट विथ हैविंग वायलेट फ्लावर विथ अ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, ठीक है, एंड ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर. अभी भी मैंने क्रॉस दिखाया आप लोगों को, वायलेट विथ व्हाइट, और सभी वायलेट मिलने का यहाँ पे दिया वो व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. पास तो हुआ है, देखो व्हाइट कलर जीन पास हुआ है. सभी वायलेट होने का ये रीजन कैसे होगा? व्हाइट पास होने से भी तो वायलेट हो सकता है, व्हाइट पास होने से भी वायलेट हो सकता है. हाँ शिवेश, हम तुम पंकज सर से पढ़ रहे, तुम क्यों टेंशन लेते हैं? हाँ हम इंडिया इंडिया लेवल में पॉपुलर नहीं है, नॉलेज तो है ही बाबू. पॉपुलर होने में भी टाइम है, लेकिन नॉलेज जो है उसमें कंपटीशन करना मुश्किल है, स्पेशली क्लास 9 and 10. ओके, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों है. हम लोग भाई कोई अलग से फिजिक्स, अलग से केमिस्ट्री और अलग से बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग तीनों ही सब्जेक्ट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हियर. तो वापस इसी में चलते हैं हम लोग, ये वाला का ऑप्शन आपको पता चल गया होगा. तो assertion saliva contains enzyme called ptyalene, salivary amylase, ये था true. pepsin digests lipid, ये था false. तो इतना पता चलते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए option is option C, true or false, option is option C. okay, so moving to another question. ये वाला क्वेश्चन वहां नहीं है आई थिंक. अभी जितना क्वेश्चन मैंने लिया था वो 3 या 4 क्वेश्चन थे, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वन में assertion एंड रीजन, दोनों स्टेटमेंट रीड करो. ओके, और कौन सा था नहीं छोड़ो, अभी फोकस करो assertion और रीजनिंग पे. ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्ला या विल्ली बोलते हैं. सो आपको assertion क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? assertion ट्रू है या फॉल्स? चलो सब करेक्ट है, assertion इज ट्रू, assertion is true. ठीक है, then about reason. reason वाला statement पढ़े बिना answer नहीं देना है आपको. assertion reasoning में करना क्या है, peaceful mind से दोनों statement को पढ़ना है. पहला attempt में आप उन दोनों को relate करने का कोशिश मत करना, दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट रखना, पढ़ना और दोनों ट्रू है या फॉल्स सिर्फ इतना ही सोचना. सो रीजन में हम लोग विल्ला हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, सो यहां पे सोचना ठीक से पड़ेगा. दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है. अब ऑप्शन आपके पास बचता है ए एंड बी. ठीक है, अब मुझे डीपली क्या सोचना है कि रीजन assertion का रीजन है क्या, रीजन assertion का रीजन है क्या, वो देखना है आपको. जल्दी आंसर मत दो सौमित्र, फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि रीजन assertion का प्रॉपर रीजन है क्या. द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्ला. तो ये विल्ला दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, लेकिन हमको तो ये नहीं लग रहा है कि assertion का रीजन है ये. हमको तो रीजन कुछ और लगता है, आप लोगों को कुछ और लगता है रीजन?
चलो अब अगर हम ए में कंट्रोवर्सी करेगा तो आप लोग बोलेगा बी आंसर देना शुरू कर दिया। नहीं, रीजन सोचो कि विलाय होने का न्यूमरस विलाय एब्जॉर्प्शन तो करेगा, लेकिन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने का रीजन क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। द इंक्रीज व्हाट? सरफेस एरिया। रीजन क्या है वहां पे? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये तो रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि विलाय हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो अब बताओ आप ए और बी में से किसका सिलेक्शन होना चाहिए? चीज समझ गया ना? दोनों स्टेटमेंट ऐसा लगेगा आपको, कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि एसर्शन का प्रॉपर रीजन रीजन है कि नहीं। तो मुझे तो ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या विल्ली होने का मेन रीजन लगता है कि विल्ली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग व्हाट? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, सो व्हिच वन? ए और बी? अगेन यू ट्राई ए और बी, व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, नॉट ए। हाँ, बी। तो जब दोनों ट्रू हो जाएगा ना, प्रॉब्लम वहीं पे आएगा ज्यादा। हमें बता देता हूं, दोनों ट्रू होने से प्रॉब्लम ज्यादा है और ट्रू फॉल्स आ जाने से थोड़ा इजी हो जाता है। ये देखना, दोनों ट्रू है दैट मीन्स आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू अनदर वन, दिस वन, दिस वन। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हिमोग्लोबिन, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? वान्या, सिवेश, देव, जॉयदीप, यू ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर। तो ये जो ट्रू है, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत इजी है। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और इससे पहले वाला का आंसर बी था, ए नहीं, बी। ओके, सो एसर्शन इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हिमोग्लोबिन, एंड सेकेंड में हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दोनों ही ट्रू हो गया। मतलब अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी बचा है। अब मुझे देखना है कि रीजन सच में एसर्शन का रीजन है क्या, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने के पीछे रीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही है। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स व्हाट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इट फॉर्म्स व्हाट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हैव यू अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको अगर पूछता हूं करेक्ट ऑप्शन क्या है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इफ आई आस्क यू? करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए। अंडरस्टूड? ओके, मूविंग टू अनदर वन, लुक एट दिस वन। एसर्शन में क्या गिवन है? एसर्शन में गिवन है अ करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। अ करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ट्रू है, हम लोग जानते हैं। अ करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी नोन बाय एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ? पता है आप लोगों को? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस कैन बी नोन बाय एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ, विच रूल? गुड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूल। जॉयदीप एंड सिवेश गिवन द आंसर। तो पहला स्टेटमेंट एसर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम लोग रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो
अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लगते हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स, उसका रीजन क्या है? पहले से मैग्नेट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और जब आप करंट पास करते हो तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एंड दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगे देन देयर विल बी व्हाट? फोर्स। सो रीजन का स्टेटमेंट तो ट्रू है और दोनों ही ट्रू है, और यहाँ पे एसर्शन और रीजन के बीच में रिलेशन भी है। जो पहला में बात बोला जा रहा है एसर्शन में, रीजन उसी को बता रहा है। सो दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन? नीर ज्यादा बार लिखने से शायद आपका नाम नहीं भी लिया जाएगा, सो इमोशंस पे कंट्रोल रखो। किंजल, जयदीप, तनिषा एंड यहाँ पे चिराग, यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया, दोनों ही ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसर्शन। ओके, अब यहां मैंने आपको शुरू में बोला था आप बिना नॉलेज के यहाँ खेल नहीं सकते, आपको तो नॉलेज होना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ते वक्त अब आपको हर चीज को दिमाग में सेट भी रखना होगा। सिवेज पोद्दार एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि सेंटेंस अगर लंबा होता है तो करेक्ट होता है। ये कैसा लॉजिक है पता नहीं, लेकिन आप बाकी सबको मैं बता रहा हूँ, पूरा सेंटेंस पढ़ना, उसको समझना, देन यू डिसाइड। ओके, बाद में ही डिसीजन लेना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, एसर्शन। The value of current in ammeter is same independent of its position in series electric circuit. मतलब आप एक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर कहीं भी लगाओ, एमीटर कहीं भी लगाओ, करंट का वैल्यू सेम ही आएगा। ट्रू है या फॉल्स? क्या लगता है, करंट का वैल्यू सेम ही आएगा, ट्रू या फॉल्स? वान्या, नीर, सिवेश, दीक्षा, चिराग और सुमित्रा, कृष्णा सब करेक्ट है, हर्ष अग्रवाल रॉन्ग है। सीरीज में करंट सेम होता है तो आप एमीटर कहीं भी लगाओ, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, या इधर इधर कहीं भी, करंट का रीडिंग तो सेम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेंस द सेम। अब रीजन में पढ़ लेते हैं, मैंने तो आपको रीजन ऐसे ही बता दिया, अब रीजन में वही रीजन है क्या? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो ये तो ठीक ही लग रहा है, दैट मीन्स एसर्शन का रीजन रीजन है, दैट मीन्स रीजन इज द रीजन ऑफ एसर्शन। तो अब ऑप्शन में से मैंने तो रूल बता दिया आपको, ए और बी में से सिलेक्ट करना, ए और बी में से कौन सा करेक्ट होगा इफ आई आस्क यू? जयदीप, नीर, श्रव्या, वान्या एंड All are giving correct answer. मनीष चौधरी ने भी आंसर दिया, भव्या संचेती, then दीक्षा, दीक्षा ने wrong option दिया है। ऐसा wrong option कैसे selection हो गया इतना example discuss करने के बाद? Option A होगा, option B कैसे होगा? आपको assertion का statement true मिला है, reason का statement true मिला है, और reason assertion का right explanation है, correct explanation. Have you understood, Diksha? Okay. Any part of the circuit, parallel नहीं, any part of the circuit. Position in the series circuit. Position, combination change करने नहीं बोला गया, पोजीशन इन द सीरीज सर्किट। ओके, मूविंग टू अनदर, सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला आप सेल्फ रीडिंग करो, ऑल ऑफ यू, यू जस्ट रीड योर सेल्फ एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ, जल्दी मतलब टाइम भी ले सकते हो, पहले बताता है, चेक करते हैं।
देव अग्रवाल ने आंसर दिया है करेक्ट, प्रियांशी कनोई, कंजना विज रॉन्ग, ऑप्शन बताना है सीबीएस एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, तनीषा इज रॉन्ग, मनीष चौधरी करेक्ट है, नीर भव्या रॉन्ग है, दीक्षा करेक्ट है, जॉयदीप करेक्ट है, वान्या रॉन्ग है। मैंने आपको रूल बताया है कि पहले डिसीजन लेना है कि दोनों स्टेटमेंट से दोनों ही ट्रू है, दोनों ही फॉल्स है, या ट्रू या फॉल्स, पहला डिसीजन ये। पहला अटेम्प्ट में कभी भी दोनों को रिलेट करने का कोशिश मत करो, दोनों सेंटेंस को इंडिपेंडेंट रखो, इंडिपेंडेंट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट। सो पहले देख लेते हैं, यहां कंफ्यूजन हो गया, जहां मैंने आपको करने दिया वहीं पे प्रॉब्लम आ गया। देखो, इट इज एडवाइज टू क्लीन द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर बिफोर कनेक्टिंग देम। ये तो आपने सुना होगा कि मेटेलिक वायर है तो उसको क्लीन करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए कनेक्शन के पहले। चलो ये ठीक है, ये ट्रू है, क्लीन तो करना चाहिए, लेकिन क्यों क्लीन करना चाहिए ये वो पता है क्या आपको? आपको क्लीन क्यों करना चाहिए? ये चीज आपका केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करता है? यहां पे वायर के ऊपर ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट हो जाता है जो कनेक्टिविटी को कम कर देगा, कनेक्टिविटी को कम कर देगा, तो रीजन होना चाहिए कि टू रिमूव दैट ऑक्साइड लेयर। लेकिन यहां रीजन दिया कि हम लोग को क्लीन करना चाहिए क्योंकि करंट इज प्रेजेंट एट द एंड। पहला बात तो करंट प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो ये तो फॉल्स है। वायर का एंड में करंट होता है क्या एनी टाइम, जिसके लिए हम लोग क्लीन करेंगे इसको? और क्लीन करने से क्या करंट चला जाएगा? तो फॉल्स, ट्रू है और फॉल्स है, और एसर्शन का रीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। दैट मींस विच ऑप्शन तनिषा, नाउ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। देव, किंजल एंड कृतिका, तो अब पता चल गया कौन सा ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, तो प्रॉब्लम ज्यादा कब आती है? जब दोनों ट्रू होता है, तो वहां आपको अपना ब्रेन अच्छा से यूज करना है। इन दैट केस ये रीडिंग करो, आप सेल्फ रीडिंग करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। नीर ने आंसर दे ही दिया, यहां हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल रहे हैं। आपका आंसर रॉन्ग है नीर, पढ़ना है दो स्टेटमेंट, पढ़ना है, टाइम लगता है, सोचना भी पड़ेगा एग्जाम में। सिवेश पुद्दार ने करेक्ट आंसर दिया है, चिराग अग्रवाल ने दिया है, दीक्षा जैन का आंसर रॉन्ग है, मनीष चौधरी का भी रॉन्ग है, भव्य संचेत करेक्ट, और सिवेश पोद्दार, ओके, देव अग्रवाल रॉन्ग है, कृष्णा चौधरी रॉन्ग है, जयदीप गोस्वामी इस करेक्ट। थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं खेलना आपको, यहाँ पढ़ना है। एसर्शन रीजनिंग इज नॉट मल्टीपल चॉइस। वान्या इज करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, मनीष चौधरी रॉन्ग है। मनीष चौधरी क्या लिख रहा है? मनीष चौधरी आज मनीष चौधरी है या कोई और नाम से एंट्री लिया है? कृष्णा चौधरी रॉन्ग है, हर्षिता अग्रवाल इज करेक्ट। नाउ जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट्स। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट एसर्शन। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज अ थ्रेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये तो सही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अगर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा ये न्यूक्लियर मटेरियल जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से दे रिलीज व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, अल्फा बेटा गामा रेडिएशंस। और सोचो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर लीकेज हो गया, दैट मीन्स रेडिएशन पावर प्लांट से बाहर आ गया, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ब्लास्ट हो गया,
तो वो रेडिएशन आसपास का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सबको अफेक्ट करेगा। कैसे? वो जेनेटिक मेकअप तक चेंज कर देता है, तो आने वाला जेनरेशन भी डिफेक्टिव हो सकता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब तो होगा ही, बट दैट रेडिएशन ओके मे चेंज द जेनेटिक अरेंजमेंट। और अगर जेनेटिक अरेंजमेंट चेंज हो गया तो आने वाला पूरा जो नस्ल है इंसानों का वही चेंज हो जाएगा। ओके सो मुझे assertion ट्रू लग रहा है और मुझे रीजन भी ट्रू लग रहा है। अब मुझे ये देखना है कि रीजन assertion का राइट रीजन है क्या, तो ये भी ठीक लग रहा है मुझे। फ्यूचर थ्रेट हो सकता है क्योंकि ये जो लीकेज होगा वो जेनेटिक अरेंजमेंट चेंज कर सकता है। सो विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड? कृतिका, तनिषा, देव, चिराग, विद्या, सुमित्रा। मैं थोड़ा हेल्प करने के बाद सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। ये रहा, थोड़ा हेल्प मिले क्योंकि आपको पढ़ना है चैप्टर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो आप। आप पढ़ो पहले आराम से और आंसर देना स्टार्ट कर सकते हो। बहुतों ने देना स्टार्ट कर भी दिया। सुमित्रा, विद्या, चिराग, ओके, कृतिका विल बी सेंट, वन्या, वन्या ने बी लिखा है ऑप्शन। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसमें कोई हम मुझको वो नहीं है कंफ्यूजन। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ट्रू। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी ट्रू है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। ये भी ट्रू है। लेकिन बेकिंग सोडा इज यूज एन एंटासिड, उसका रीजन ये नहीं है। तो उसका रीजन ये है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर एंड इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टोमक। तो ये रीजन करेक्ट नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। तो विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड? विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ आई आस्क यू? ए बी सी डी ई में आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? एंड ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिवेश ने बोला आंसर शुड बी ए। आंसर ए कैसे होगा? क्या बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होने के वजह से वो एंटासिड है क्या? यहाँ पे तो रीजन ऐसे नहीं बताया ना आपको, वो बेसिक है। आपको रीजनिंग प्रॉपर देना होगा। रीजनिंग प्रॉपर। ओके सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू। मैंने आपको बोला ना, प्रॉब्लम तभी आता है assertion रीजनिंग में जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होता है। जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी आपको प्रॉब्लम आएगा ज्यादा। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है। ओके सो द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इज ऑप्शन बी। मैं आपको अगर 1000 assertion रीजन भी करा दूंगा ना, तब भी आप वहीं पे खड़े रहोगे, क्योंकि आपको वो दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो चेक करना है। दोनों अगर ट्रू हुआ तब आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तब आपको दोनों को रिलेट करना होगा। अगर दोनों रिलेट नहीं करता, रीजन इज नॉट द रीजन फॉर assertion, तब आपको ऑप्शन बी
और रीजन इज द रीजन फॉर असर्शन, तब आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको नॉलेज भी होना पड़ेगा, मैंने बार बार बोला है, विदाउट नॉलेज यहाँ पे वो जो तुम आप लोग का तुक्का जो है यहाँ ज्यादा मत चलाना, यहाँ तुक्का से काम नहीं होगा। असर्शन रीजनिंग आपका सिलेबस में इंक्लूड करने का रीजन आपका नॉलेज ही चेक करना है। ओके, सो लुक एट अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। चलो इसका ऑप्शन सोचो आप, यू थिंक अबाउट द ऑप्शन हियर। वन्या ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, देव, हर्षिता, जयदीप, मनीष, यू ऑल आर गिविंग, हार्दिक, सुमित्रा, तनिषा एंड सबने ऑप्शन सी, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता आपको। तो रीजन फॉल्स हो गया, मैंने बोला जैसे ही एक स्टेटमेंट फॉल्स पता चल गया तो आपका हेडेक थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट फॉल्स पता चला तो हेडेक थोड़ा कम है, सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये फॉल्स है। एंड कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी कम है इसलिए तो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन नीचे बैड कंडक्टर लिखा है। लो रेजिस्टिविटी ठीक है, ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है किसका, पुअर कंडक्टर्स का, इट हैज लो रेजिस्टिविटी, सो कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टिविटी, इट इज ट्रू, और इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो आज इतना एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया ही हुआ होगा। आप तब तक assertion reasoning नहीं कर पाओगे जब तक आपको चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा, चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, assertion reasoning कैसे अटेम्प्ट करता है वो तो मैंने समझा दिया, आपको जो काम करना है वो है सभी चैप्टर्स को अच्छा से पढ़ना है, देन ओनली You will be able to answer these type of question. तो अभी और भी नया जो pattern included है paper में, उन सबको भी हम लोग example के साथ अभी कुछ classes में जो नया pattern include हुआ है उन सबका हम लोग discussion करेंगे, okay? और offline classes में फेब और मार्च में, specially फेब, मार्च और अप्रैल तक हम लोग ऑफलाइन में जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स को रीडिस्कस करेंगे, और ज्यादा फोकस फैब में बायोलॉजी पे होगा, ज्यादा फोकस बायोलॉजी पे होगा, ओके? तो आज अपना अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हो एंड देन यू कैन लीव द क्लास।